समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान, 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले है इसी में शांत। दूरियां दरारे मिटाए मन से जीवन बन जाएगा खुशियों की खान, खुशियों की खान। कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का करने समस्या का समाधान। हमारे साथ हैं एक खास मेहमान कार्यक्रम में। मित्रों, यदि किसी व्यक्ति के पास संसार के तमाम सुख सुविधा के साधन हो और साथ ही साथ उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अभाव, जो सांसारिक अभाव है, वो ना हो, जन्नत में ही क्यों ना हो और वहां की परियां बहुत खिदमत करती हों उनकी, लेकिन यदि शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ है व्यक्ति को, तो इस तमाम प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं उनका वो आनंद नहीं ले सकता। और शायद इसीलिए कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो कैसे अपनी काया को हम संपूर्ण निरोगी रखें, क्योंकि आज के दौर में आप देखते होंगे कि हमेशा कोई ना कोई तकलीफ बनी ही रहती है। कैसे संपूर्ण स्वास्थ्य हम प्राप्त कर सकते हैं, आज इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हैं, जो कि वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। माउंट आबू और आबू रोड में जो ग्लोबल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर है, वहां आप कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए उनका अभिनंदन करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। पहले तो डॉक्टर साहब ये जानना चाहूंगा कि आजकल ये जो सुरसा के मुंह की तरह बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, बड़ी होती जा रही हैं, क्या इनका निदान संभव है, या फिर हम एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं इस संसार के चक्र में कि इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता? देखिए, जो अभी पिछले लगभग 50 साल से अगर हम देखें, 1965 के ऑनवर्ड्स ना जी, तो भारत में स्पेशली, इवन विदेशों में भी यही बात है। पहले तो कम्युनिकेबल डिजीज हुआ करती थी, कम्युनिकेबल ना इन्फेक्शन हुआ करते थे, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, हैजा हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गई, चिकन पॉक्स हो गई, है ना, ऐसी बीमारियाँ, मतलब प्लेग हो गई। तो तब तक हमारे पास विशेष, मतलब एंटीबायोटिक्स नहीं होती थी उसके पहले, 60s के पहले अच्छी अच्छी एंटीबायोटिक्स नहीं थी जी। क्योंकि जैसे ही हमारे पास एंटीबायोटिक्स आई, मलेरिया की दवाई आ गई, टीबी की दवाई आ गई, तो और भी एंटीबायोटिक्स आने से हमारा हैजा और दूसरे इन्फेक्शन कंट्रोल होने लगे, तो काफ़ी हद तक उस पर विजय प्राप्त हो गई। तो जैसे ही भारत में औद्योगिकरण हुआ, गाँवों का शहरीकरण हुआ, जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बन गया, मतलब सिर्फ एक ही जनरेशन, पहले तीन जनरेशन एक घर में, दादा दादी, माता पिता और बच्चे, तीन जनरेशन एक घर में होती थी, और अभी क्या हुआ, एक ही, मतलब माता पिता और बच्चे सिर्फ। तो और खान पान भी बदला, डे नाइट शिफ्ट, मतलब डे और नाइट शिफ्ट शुरू हो गई, तो अपने सोने का टाइम, उठने का टाइम भी बदला। उससे जो है सारा एक नया सिस्टम, नई डिजीज शुरू हो गई, जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, कैंसर है ना, माइग्रेन है, अस्थमा है, पेट की बीमारियां हैं, हड्डियों की बीमारियां हैं, ऐसे मतलब बहुत सारे, और डिप्रेशन है, साइकोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम बढ़ी, डिप्रेशन बढ़ा, नींद का ना आना, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल खराब हो गई जी जी, उनको लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज भी कहते हैं। और आज 80% अगर आज हम देखें, 2017 में देखते हैं, तो आज 80% जो बीमारियां हैं वो ये हैं,
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफ स्टाइल रिलेटेड है, जीवन शैली से प्रभावित है जी जी। इनको स्ट्रेस रिलेटेड भी कहते हैं, तनाव से रिलेटेड है जी जी जी। तो जीवन में जो तनाव से कारण पैदा हुआ है, औद्योगिकरण कारण से ज्वाइंट फैमिली सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गए हैं जी, उद्योग मतलब जो शहरीकरण हुआ है उसमें और स्ट्रेस बढ़ गई लोगों की, तो ये जो है ये इनको साइकोसोमेटिक डिजीज भी कहते हैं। साइको मीन्स साइकी मीन्स माइंड और सोमा मीन्स बॉडी जी जी। पहले मन में आती है फिर बॉडी में आती है। तो इस प्रकार की चीजों को थोड़ा सा हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ। चाहे जीवन शैली हाँ। की बात आप कर रहे हैं, चाहे इसमें 80% डेथ्स, आज 100 अगर डेथ होती है भारत में जी, तो 80 डेथ इसके कारण से हो रही इन एनसीडीज के कारण, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कई बार डॉक्टर साहब अब ऐसी हमारी दिनचर्या हो गई है या ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है या फिर व्यवस्था ही ऐसी बन गई, पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था कह ली जाए, यदि ऐसी हो गई है तो परिवर्तन की गुंजाइश फिर कहाँ रहती है? बिल्कुल परिवर्तन की गुंजाइश है, क्योंकि हमने इसमें हमने देखा कि आज की जो मॉडर्न मेडिसिन मेडिकल साइंस है जी, वो सिर्फ एक बॉडी का ही इलाज कर रही है, जबकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि माइंड का साइकोसोमेटिक, मतलब आज एक्चुअली 95% से अधिक बीमारियां, सारी बीमारियां ले लें आप, इन्फेक्शंस भी जी जी, इन्फेक्शंस में भी उसका रोल है, कम्युनिकेबल डिजीज में उसका रोल है माइंड का, कोई जुकाम भी आपको बार बार हो रहा है, एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, सुसाइड्स भी हो रहे हैं, सुसाइड बहुत बढ़ते जा रहे हैं, आत्महत्या बहुत बढ़ती जा रही है, बिल्कुल। तो इन सब में जो है मन का बहुत बड़ा रोल है। आज 95% से अधिक बीमारियां मन की या तन की वो सारी साइकोसोमेटिक है, और वो जो है, और हमारा जो मॉडर्न मेडिसिन है चाहे भारत में या यूएस में, यूके में, किसी देश में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह जो एजुकेशन है मेडिकल एजुकेशन, उसमें सिर्फ बॉडी के बारे पढ़ाते हैं, सारी रिसर्च बॉडी के बारे में होती है जी जी जी। चाहे आप MBBS करें, MD करें, DM करें, MCH करें, FRCP करें, FRCS करें जी जी, आप किसी विषय में किसी कोने में चले जाइए, MCH कर लीजिए, वो सिर्फ बॉडी के बारे में ही पढ़ाया जाता है, बॉडी के ऊपर रिसर्च होती है, बॉडी की दवाइयां बनती है जी जी, बॉडी के ऊपर ऑपरेशन होते हैं, जबकि जड़ जो है उसका मन है। बिल्कुल बिल्कुल, शायद यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और इसीलिए लगता है कि बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं इतने रिसर्च होने के बाद, इतने मेडिसिन आने के बाद भी। मतलब मॉडर्न मेडिसिन के पास स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स आ गए हैं, मॉडर्न जो है स्टेट ऑफ आर्ट मेडिसिन है, उसमें हमारे हम CT स्कैन, MRI, पेट स्कैन, ना जाने हम एंजियोग्राफीज और उसके एंजियोप्लास्टीज और डिफरेंट तरह से सब आज रोबोटिक सर्जरीज कर रहे हैं, जीन थेरेपी कर रहे हैं, स्टेम सेल थेरेपी कर रहे हैं, वो सारी बॉडी के लिए बनी। जड़ क्या है? ब्लड प्रेशर की जड़ क्या है? हाई ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की जड़ क्या है? हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होती है उसकी जड़ क्या? कैंसर क्यों हो जाता है? पेट में अल्सर क्यों हो जाता है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्यों हो जाता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस क्यों हो रहा है? माइग्रेन क्यों हो रहा है? उसकी जड़ क्या है? अस्थमा क्यों हो गया? एलर्जीज क्यों हो रही है? जी जी जी। तो ये सब बीमारियां, डिप्रेशन क्यों हो रहा है? जड़ तक पहुंचने की आवश्यकता है। जड़ जो है मन है। बिल्कुल, हमारे विचार, हमारी भावनाएं हैं। जी जी, मैं यहाँ आ ही रहा था डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये 3D की बात कही है तो सोल से शुरुआत करते हैं। अब आधुनिक युग में कई लोग आत्मा के अस्तित्व पे ही विश्वास नहीं करते। चलिए आपने मेडिकल साइंस की बात कही, शायद वो तन को ही सब कुछ समझते हैं, आत्मा के बारे में उनका ज्ञान शून्य हो सकता है या मानते नहीं है। तो क्या आत्मा का अस्तित्व है? यदि मेडिकली हम इस बात को प्रूव करना चाहते हैं तो क्या कहेंगे आप इससे? जो हमने प्रोग्राम शुरू किया ना, 3-dimensional हेल्थ केयर, 3D हेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम, 3-dimensional हेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम जी, फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। ये जो प्रोग्राम शुरू किया, जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो हमारे जो भाई बहन हैं या दर्शक हैं जो समझते हैं कि आत्मा है ही नहीं, अच्छा वो आत्मा को नहीं मानते, ठीक मान लिया जी, पर ह्यूमन बींग शब्द को तो मानते हैं। इंसान को क्या कहते हैं? मनुष्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जी। तो ह्यूमन बीइंग दो शब्दों से बना है, ह्यूमन एंड बीइंग, राइट। ह्यूमन शब्द ह्यूमस से आया है, एक लैटिन वर्ड है ह्यूमस, उसका मतलब लिटरल मीनिंग होता है सॉयल, SOIL, मिट्टी, मिट्टी है ना, सॉयल जी। और सॉयल और जो जो वर्ड है बीइंग, बीइंग शब्द है उसका लाइफ फोर्स, जीवने की जीवनी शक्ति, उसका लिटरल मीनिंग है सोल। तो एक इंसान या मनुष्य या मानव दो एंटिटीज से बना है, एक सॉयल है, एक सोल है जी, राइट। बिल्कुल, बीइंग माना सोल, राइट, लाइफ फोर्स, राइट जी जी। तो उसमें तो मानते हैं, नहीं मानते? तो वो बीइंग इस सॉयल को चला रही है, सॉयल मिट्टी जी, है ना। अब सॉयल और शब्द में, सोल में फर्क देखिए, सब स्पेलिंग में फर्क देख लीजिए, SOIL वो SOUL। जब आप सॉयल कॉन्शियस मतलब बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, सॉयल माना आउटर सेल्फ, कौन आउटर सेल्फ, हमारा आउटर सेल्फ,
और सोल माना हमारा इनर सेल्फ, अंदर वाला मैं, बॉडी माना सॉयल माना बाहर वाला मैं। तो जब आप सॉयल कॉन्शियस माना, आपके अंदर आईनेस और माइनेस आ जाती है। आई से आईनेस माइनेस मतलब ईगो और अटैचमेंट आती है। ये हमारा, इससे सारी प्रॉब्लम शुरू होती है, इससे सारी स्ट्रेस शुरू होते हैं, तनाव शुरू होता है। हमारा पूरा का पूरा हार्मोन और ऑर्केस्ट्रा, जो हमारे विचार और भावनाएं आईनेस और माइनस से पैदा होती है, ईगो अटैचमेंट से पैदा होती है, उससे हमारा पूरा हार्मोन ऑर्केस्ट्रा, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है जी, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पर, और पिट्यूटरी के इसके बिल्कुल पीछे हमारी पिनियल ग्लैंड है, और फिर गले में थायराइड है, फिर उसके पीछे चार पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं। वो हमारी हड्डियों में कितना कैल्शियम जाएगा, कितनी स्ट्रांग होंगी हमारी बोन डिसाइड करती है, थायराइड हमारी एनर्जी को डिसाइड करती है, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पिनियल ग्लैंड से नींद का हार्मोन मेलाटोनिन निकलता है, फिर हमारा पेनक्रियाज है जिससे इंसुलिन निकलता है, जो शुगर का मतलब एक करेंसी है जी, हमारी बॉडी शुगर को ग्लूकोज को यूज कर सके, इंसुलिन उसकी करेंसी है, तभी हम इंसुलिन, तभी हम ग्लूकोज यूज करके एनर्जी बना सकते हैं, इंसुलिन नहीं तो हम बना ही नहीं सकते। फिर हमारी किडनी के ऊपर, दोनों किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ये हमारा स्ट्रेस को, जो लाइफ में हमारे चैलेंजेस रोज आ रहे हैं उनको फेस करने के लिए ये केमिकल निकालती हैं, स्ट्रेस हार्मोन निकालती हैं, एड्रिनलिन। सभी को पता हो, हमारे दर्शकों को पता हो एड्रिनलिन क्या होता है, जब भी हम टेंशन में होते हैं, कोई चैलेंज हमारे सामने अचानक इमरजेंसी आती है, वो एड्रिनलिन निकलता है, एड्रिनलिन कहते हैं एड्रिनलिन पंप हो गई, एड्रिनलिन निकलती है, नॉर्मल एड्रिनलिन एक और केमिकल है जी जी। और क्रॉनिक चैलेंजेस को फेस करने के, लाइफ के डे टू डे चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमारे पास कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है, और फिर हमारे मेल या फीमेल ग्लैंड्स है, टेस्टिस या ओवरीज है जी जी। तो सात ग्लैंड्स है, एक हार्मोन ऑर्केस्ट्रा है, इनका ट्रिगर हमारे विचार है, हमारी भावनाएं, जैसे विचार और भावनाएं होंगे, शांति प्यार खुशी के विचार हैं जी, तो ये ऑर्केस्ट्रा एकदम हार्मोनियसली काम करता है, बिल्कुल हमारा जीवन संगीत बन जाता है। अगर इसकी वजह जल्दी चिंता गुस्सा हमारे मन में होगा, ऐसे जल्दी चिंता गुस्सा के विचार होंगे, उदासी के विचार होंगे, रिजेंटमेंट के विचार होंगे जी, बदला लेने की भावना के विचार होंगे, रिवेंजफुल बिहेवियर, हार्मनी बिगड़ जाएगी, तो ये हमारा जो ऑर्केस्ट्रा बिगड़ जाएगा और हमारा जीवन शोर बन जाता है, केओस बन जाता है जी जी जी, अंदर से इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हर बात में जल्दीबाजी, मतलब हार्मनी वैसे भी नहीं होती, तबला वाला कुछ बजा रहा है, हार्मनी हाँ, वाला कुछ हाँ, तो वो सारे उल्टा-पुल्टा हो जाता है। डॉक्टर साहब, मूल जहां से मैं जानना चाहता था वो एक बात, आत्मा पे कईयों का विश्वास, यही मैं बताने जा रहा हूँ जी जी, कि ये जो है आत्मा जो है, बीइंग जो है ना, मतलब जो सोल, सोल में जो वर्ड यू है ना, यू मीन्स यूनिवर्सल, राइट जी। जब भी हम सोल कॉन्शियस बनते हैं, बीइंग कॉन्शियस बन जाते हैं, तो हम सारे विश्व के बारे सोचते हैं, हमारी विजन वाइड हो जाती है ना, वहाँ ट्यूबुलर विजन, लिमिटेड विजन हो जाती है, यहाँ अनलिमिटेड विजन हो जाती है जी। तो ये बीइंग है, ये एनर्जी है जिससे ये आत्मा कार्य करती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने दर्शकों को देना चाहूंगा जी। एक अचानक सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में आ जाता है, मतलब समझो आखिरी सांस ले रहा है, गैस्पिंग है, है ना, सांस बहुत मुश्किल से चल पा रहा है, उसको इमीडिएटली कैजुअल्टी में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेकर के आते हैं, डॉक्टर उसको बचाने की कोशिश करते हैं, उसको इंटीपेट करते हैं, वेंटिलेटर पर लेते हैं, दवाइयाँ देते हैं, हार्ट बंद हो गया है, चला उस पंप करते हैं हम, कार्डिक मसाज करते हैं, दवाइयाँ काफ़ी सारी दवाइयाँ शॉक देते हैं, किंतु मान लीजिए उसके बाद भी वो पेशेंट मर जाता है, मर गया, बाहर बहुत सारे रिलेटिव्स खड़े हैं, भीड़ खड़ी हुई है, और डॉक्टर जो है अंदर इलाज कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आता है, तो क्या कहेगा डॉक्टर उनको, बाहर आने के बाद क्या इन्फॉर्म करेगा रिलेटिव्स को जी, क्या आई एम सॉरी, वी ट्राइड आवर बेस्ट, ही हैज गॉन या शी हैज गॉन, जो आपका था वो चला गया, बॉडी ले जाओ, क्या आया था, नाम सहित आया, थोड़ी देर पहले क्या आया था जी, शरीर आया था, पेशेंट आया था ना, बिल्कुल बिल्कुल, मिस्टर सो एंड सो आया था, अभी क्या जा रहा है बाहर, बॉडी, तो क्या निकल गया उसके अंदर से, बिल्कुल वो जो लिविंग एनर्जी है, हमने कहा ना वो ही हैज गॉन, वो चला गया, बॉडी ले जाओ, आया था पेशेंट, अभी जा रही है बाहर, पेशेंट नहीं जा रहा, ये नहीं कहते अपने पेशेंट को वापस ले जाओ जी जी जी, क्या बोला, बॉडी, चाहे अमेरिका में बोले, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बोले, चाहे यूके में बोले, किसी देश में भी बोलेंगे, भारत में बोले, क्या बोलेंगे, पेशेंट आया, बॉडी ले जाओ। कई बार मेडिकल साइंस वाले या कुछ बुद्धिजीवी ऐसा भी कहते हैं डॉक्टर साहब कि शायद हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, ब्रेन ने काम करना बंद किया, या शरीर के अलग ऑर्गन, तो इसी कारण शायद वो अब डेड हो गया। इसी का मैं आंसर दे देता हूँ जी। अभी यही पेशेंट जो इसकी डेथ हुई, उसका हार्ट तो ठीक था वैसे, अदरवाइज ठीक था, उसकी इंजरी हुई थी, चोट लगी थी, कुछ ज्यादा ब्लड बह गया, व्हाटएवर,
या लीवर फेल हुआ था, कुछ और कारण से उसकी डेथ हो गई। अब उसकी इच्छा थी मरने के पहले, यंग पेशेंट है, इसकी डेथ हुई, एक्सीडेंट में डेथ हुई। उसने कहा उसकी इच्छा थी कि मैं मरने के पहले मेरा कोई, मरने के बाद मेरा हार्ट या लीवर या किडनीज किसी को भी अगर आवश्यकता हो, आँखें किसी को आवश्यकता, तो उसको दान में दे दी जाए। हॉस्पिटल में कोई ऐसा पेशेंट है उसको दे सकते हैं। जी जी। अब इसकी इच्छा थी, हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट और है जिसकी हार्ट की पंपिंग पावर इजेक्शन फ्रैक्शन 10% रह गई, उसको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता है। तो हमने क्या किया, इसका टिश्यू को और इसकी टिश्यू को मैच किया और टिश्यू मैचिंग हो गई। तो हम ये जो हार्ट यहाँ पर सब कुछ करने के बाद भी ये हार्ट चल नहीं रहा है, कितने भी शॉक दे दिया, कितने भी इंजेक्शन लगाया, नहीं चलता है इस डेड बॉडी में, किंतु यही हार्ट निकाल के हम उस व्यक्ति में लगा दें जिसको हार्ट की पंपिंग कम है, जिसमें जो अभी जिंदा है जी, तो ये हार्ट वहाँ काम करना शुरू कर देता है। अच्छा, क्या ऐसा किया गया है डॉक्टर? किया गया ना, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ऐसे ही होते हैं। जी जी जी। लिवर ट्रांसप्लांट भी होता है, किडनी भी ट्रांसप्लांट होती है। जो किडनी डेड बॉडी में काम नहीं कर रही, वो किडनी वहाँ लगाएंगे, वहाँ काम करती है। जी जी। तो ये किससे क्या सिद्ध होता है, इनको चलाने वाला कौन, हार्ट को चलाने वाला कौन? कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि हार्ट की हो सकती है आयु थोड़े समय तक रहे, वो 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे बाद तो 20 साल जिए उसके बाद, उसके बाद उस हार्ट, उस व्यक्ति में तो हार्ट 20 साल काम कर रहा है, 20 साल तक काम कर रहा है, 20 साल के बाद भी काम कर, 10 साल के बाद भी काम कर रहा है। जी जी जी। वो किडनी 20 साल के बाद भी काम कर रही, जो यहाँ बंद किसी भी हालत में चलने वाली नहीं थी। तो ये हमारे दर्शक इस बात को अपने आप ही, खुद ही अपने आप को बता सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि इस हार्ट को चलाने वाला कौन, किडनी को चलाने वाला कौन, उसमें आत्मा है, वो जिंदा है, उसमें लाइफ फोर्स है, वो बींग है, यहाँ बींग नहीं है, बॉडी है, या मिट्टी है। कहते मिट्टी को ठिकाने लगा दो, सॉयल कहते ना, राइट राइट, मिट्टी को ठिकाने लगा दो। जी, जी। मिट्टी मतलब हो गया शरीर, इसको जला दो या दबा दो, जो भी अकॉर्डिंग टू जो भी उनके धर्म की रीति रिवाज है। किंतु अभी ये मैंने एग्जांपल जो दिया, इससे क्या सिद्ध होता है कि चलाने वाला कौन, आत्मा है ना, सोल बीइंग, कि वही हार्ट यहाँ तो अभी काम कर ही नहीं रहा किसी भी हालत में, वो बंद हो चुका है, इलेक्ट्रिकली डेड है, और यहाँ लगाने के बाद वो वापस काम करना शुरू कर दिया। जी जी जी। क्या इस पे कुछ ऐसे रिसर्च हुए हैं डॉक्टर साहब? हर प्रकार के रिसर्च तो संसार में होते रहते हैं कि भाई कुछ ऐसी शक्ति है हमारे शरीर में जिसके होने से ये सब चीजें व्यवस्थित रूप से काम करती हैं, क्या ऐसा कुछ रिसर्च संसार में कहीं पे हुआ? नहीं, ऐसे रिसर्च, देखिए ऐसा दो बातें हैं संसार में, एक तो बॉडी तो फिजिकल एनर्जी है जी, 5 मैटर की बनी हुई, 5 तत्वों की, भूमि जल वायु अग्नि आकाश का बना हुआ, जल का है ना 66% वाटर का बना हुआ, किंतु वो जो है आत्मा जो है वो मेटाफिजिकल है, बियॉन्ड फिजिकल है। एक्चुअली सही माने में उसको कोई भी उसको एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं बन सकता, बन भी नहीं सकता है जो आत्मा को नाप सके। हाँ, आत्मा के इफेक्ट को नाप सकता है, जैसे आत्मा अंदर है तो ब्रेन का EEG हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी जी। तो ब्रेन की डिफरेंट जो आत्मा की जो स्थिति है कि वो शांत है, अशांत है, किस रूप में है, एजिटेटेड है, एंग्री में है, एंगर में है, या नींद में है, उसकी डिफरेंट स्टेट्स को हम नापा जा सकता है EEG के द्वारा। इलेक्ट्रो, जैसे हार्ट का ECG करते हैं ना, EKG करते हैं, ऐसे ब्रेन का हम EEG कर सकते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम करते हैं। जी जी जी। तो आंखें खोले उसकी रिदम बीटा रिदम होती है, हम शांत हो जाते हैं मेडिटेशन करते हैं तो उसकी रिदम अल्फा रिदम हो जाती है, शांत पीसफुल, और गहराई में जाते हैं तो लवफुल हो जाते हैं तो थीटा रिदम हो जाती है, और गहरे हैप्पी और खुशी और आनंद की अनुभूति करते हैं जी, तो और हमारे डेल्टा रिदम में चले जाते हैं, जैसे नींद में भी हम डेल्टा रिदम में होते हैं। इसी तरह से हम चिंता करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं तो हमारी रिदम बढ़ जाती है, बीटा प्लस हो जाती है, और गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं, है ना, रेज में जाते हैं तो सुपर बीटा हो जाती है। जी जी। उसके बाद पागलपन की स्थिति आ जाती है। तो ये हम इनडायरेक्टली नाप सकते हैं। ऐसे हम हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को नाप सकते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी को नाप सकते हैं। जी जी। ऐसे हम हार्मोन्स को नाप सकते हैं। तो इनडायरेक्ट पैरामीटर्स हैं। तो जो एक बात कही जाती है डॉक्टर साहब कि आत्मा यहाँ पे है या उसका रूप ऐसा है, तो वो किस बेस पे कहा जाता है? हाँ जी, जैसे एक तो जो हमारे दोनों दोनों ब्रेन है, राइट और लेफ्ट ब्रेन जी, उसका जो कंट्रोल रूम है हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस वो एरिया है यहाँ पर दोनों राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन के बीच में, यहाँ पर जी वो एरिया है जहाँ पर यहाँ से लगभग 2.5 इंच अंदर, 3 इंच नीचे, वो एक सीट है जहाँ पर सारा जो ब्रेन का पूरी एक्टिविटी वहाँ मॉड्यूलेट होती है। जो भी थॉट्स हैं, जो भी इमोशंस उसमें आके फोकस होते हैं, और वहाँ करके वो थॉट्स और इमोशंस भावनाएं वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो है ये आत्मा की सीट कहते हैं,
कुछ लोग पीनियल ग्लैंड को कहते हैं, पर पीनियल ग्लैंड कैल्सिफाइड हो जाती है 50 साल 55 साल की उम्र के बाद, वो नहीं है। क्योंकि तो एक स्टडी हुई थी रिसेंटली, अभी पीछे कुछ साल, मैं समझता 20 साल के आसपास हो गए जी, उसमें एक्चुअली वो स्टडी पहले हमने दिल्ली में की थी, मैंने खुद, मेरे साथ दूसरे साइड डॉक्टर्स थे, हमने एपिलेप्सी के पेशेंट्स पे स्टडी की थी। और वो एपिलेप्सी के पेशेंट्स पे हमने देखा कि हमारे 70% पेशेंट्स तो दवाइयों से कंट्रोल हो जाते हैं। एपिलेप्सी में ना मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, सीजर्स पड़ते हैं। तो हमारे पास, मेरे पास, मैं न्यूरोलॉजी क्लिनिक रन करता था उन दिनों, जब मैं एमडी कर रहा था, उन दिनों की बात है। तो वहाँ पर जो है सारे भारत, सारे मतलब दिल्ली और उसके आसपास के यूपी वगैरह के आसपास के भी लोग इलाज कराने, और यंग लोगों को एपिलेप्सी काफ़ी लोगों को होती है। तो हम देखते 70% 30% केस ऐसे थे जिनकी कितनी मर्जी दवाई दो, दौरे कंट्रोल नहीं होते थे। क्योंकि मैं पहले ब्रह्मा कुमारिस के मेडिटेशन मैंने 86 से शुरू किया था जी, तो मेरे को पता था कि मेडिटेशन करने से, राजयोग मेडिटेशन करने से बहुत अंदर फर्क पड़ता है, कि दूसरे डॉक्यूमेंट नहीं किया था। तो उस समय हमने जो है क्या किया, ये मेडिटेशन करना उनको शुरू कराया जी, अपने पेशेंट्स को जिनके दौरे कंट्रोल नहीं होते थे। तो मेडिटेशन करने से क्या हुआ कि वो उनका थोड़ा सा दौरे की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, दौरे कम हो गए, वही दवाई के साथ बिना कुछ नई दवाई ऐड किए हुए। फिर हमने इसको एक रिसर्च के रूप में करने की कोशिश की, फिर हमने दिल्ली में आरआर हॉस्पिटल, आर्मी का हॉस्पिटल है, तो वहाँ हमने इसके साथ कोलाबोरेशन किया, एक किसी पीएचडी स्टूडेंट ने भी इस पर थीसिस किया, उनके साथ मिलकर कार्य किया जी। तो उसमें हमने क्या किया कि उनको पहले सीटी स्कैन किया, ईईजी किया पहले, और फिर हमने उनको मेडिटेशन सिखाया, फिर दोबारा उनका ईईजी किया और देखा कि उनके दौरे कंट्रोल होने शुरू हो गए मेडिटेशन के साथ। तो उससे क्या हुआ कि उनका ब्रेन की रिदम कंट्रोल होने शुरू हुई। हमने फिर सीटी स्कैन किया कि तो हमने ये स्टडी फिर हमने पब्लिश भी की कि तो यही स्टडी जब हमने विदेश में यूएस में रिपीट की गई पेट स्कैन के साथ, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, सिटी स्कैन तो एक है जी, उसमें ग्लूकोज को एज ए केमिकल यूज किया जाता है, डाई की तरह यूज किया जाता है। तो जब भी उसमें देखा गया कि जब वो पेशेंट को हम विचार देते थे मेडिटेशन के, वहां पर जो वो जो मेडिटेशन करा रहे थे, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव काउंट हुई। अच्छा, यहाँ पर ही मैं बात कर रहा हूँ उस पॉइंट में। तो उन्होंने इसको जब भी वो मेडिटेशन कर रहे तो वहीं पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती थी और टेम्पोरल लोब्स में होती थी, किंतु जब बराबर वो दोनों तरफ बराबर थी, तो मेन जो जब दोनों को कटआउट कर दिया गया तो बीच में इसी एरिया में मैक्सिमम थी, और उससे जब वो कंट्रोल करा, जब वो उसको मेडिटेशन करा तो यहाँ पावर बढ़ गई, काउंट बढ़ गई, और जब मेडिटेशन से बाहर आया तो काउंट कम हो गया। बार बार रिपीट किया गया जी, जी, कई पेशेंट्स में 50 से ज्यादा। उन्होंने कुछ एक्सेप्ट किया डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा इसको, इस पॉइंट को उन्होंने कहा गॉड स्पॉट, उन्हें आत्मा ने कहा कि जब भी आप परमात्मा से कनेक्शन करेंगे जी जी, तो इस पॉइंट पर एक्टिविटी बढ़ती है। उन्होंने ऐसे सोल इस पॉइंट को इंडिकेट नहीं किया कि सोल या आत्मा का सीट है, तो उन्होंने, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है इस बात का, तो उन्होंने कहते गॉड स्पॉट। तो इस तरह से इनडायरेक्ट एविडेंस हमको मिला कि एक पॉइंट है यहाँ पर सेंटर ऑफ द फोरहेड में जी, कि वो जो है परमात्मा से जब भी हम मेडिटेशन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो वहीं पर एक्टिविटी बढ़ी। ये इनडायरेक्ट एविडेंसेस कुछ हमें मिले हैं इस तरह की रिसर्च में। बिल्कुल, मतलब अभौतिक चीज है उसे अनुभव किया जा सकता है, और साथ ही इफेक्ट को देखा जा सकता है, उसके इफेक्ट को अनुभव किया जी जी। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।